और एक परिवार के लिए। इससे ज्यादा तकलीफ कुछ और हो ही नहीं सकता कि वो अपने 4 माह के मासूम को गोद में लेकर उसके मौत आने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, धनबाद से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। धनबाद के दोहाटा के रहने वाले अजय साव के 4 माह के बेटे आरव को लीवर की गंभीर बीमारी है। धनबाद के किसी भी अस्पताल में इस बीमारी का इलाज नहीं होने के बाद बीमारी का इलाज करवाने जब दक्षिण भारत के भैलोर गए तो वहां के डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात कही, जिनमें 22 लाख रुपए का खर्च बताया। रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया, 16 लाख रुपए और कम हो रहे हैं। 22 लाख रुपए जमा किए बगैर अब इलाज संभव नहीं है। अब मजबूरी में परिजन रांची के रिम्स ले जा रहे हैं। भले ही सुनिश्चित इलाज ना हो पर कुछ दिनों तक ही सही, परिजन को तसल्ली तो मिलेगी। अभी कहाँ ले जा रहे हैं इलाज के लिए? रांची लेके जा रहे, रांची रिम्स। यहाँ का डॉक्टर क्या बोले मेरे बात का? यहाँ का डॉक्टर नहीं देख रहे। क्या बोले? वो आप रांची लेके जाइए, इधर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आप रांची लेके जाइए, कोई ट्रीटमेंट कराइए। कदाप से इसका ज़्यादा तबीयत खराब हो। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? अभी रांची रिम्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को जो बीमारी है लीवर ट्रांसप्लांट होना है और धनबाद में इसका इलाज नहीं है। धनबाद के डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया है। रात से बच्चे को हल्का सांस लेने में तकलीफ है, पूरा पीला पेशाब हो रहा है, पूरी बॉडी पीली पड़ चुकी है, पेट पत्थर जैसा फूल चुका है, बड़ा हो चुका है, तो बुखार है। रांची रिम्स लेके जा रहे हैं, वहाँ पर जो फर्स्ट एड मिल जाए, जो ट्रीटमेंट हो जाए बच्चे को स्ट्रगल करके। कोशिश हमारी यही है कि अगर डॉक्टर वहाँ बोलेंगे। कितने दिन का समय और इनका जो जब चेन्नई से ये निकले थे तो डॉक्टर ने 40 दिन बोला था, लगभग इसमें से 23 दिन गुजर चुके हैं, 17 दिन है, 2 दिन आप जाना आना मान लीजिए तो हम 15 दिन से 14 दिन मान के चल रहे हैं बच्चे के पास। लेकिन स्थिति गंभीर है। धनबाद के कई जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम मदद करेंगे, उसमें रागिनी सिंह जी हैं, पूर्णिमा सिंह जी हैं, रणविजय सिंह हैं, अपर्णा सेन गुप्ता हैं, राज सिन्हा जी है, तो उनसे ये भी अपील है। कितने राशि अभी घट रहे हैं? और 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से अस्पताल में जमा है, 3.5 लाख रुपए के आसपास हमारे पास अकाउंट में है, बच्चे के पिताजी के पास अकाउंट में है, 8.5 लाख, 3 लाख प्रधानमंत्री वाला जो है वो प्रोसेस में है, वो 30 से 45 दिन में आ जाएगा। लगभग 13 से 14 लाख रुपए की राशि अभी भी घट रही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अस्पताल का कहना है कि हम इलाज तभी करेंगे जब 15 लाख रुपए आप एक मुश्त जमा करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि कम से कम बच्चे को इलाज कराने के लिए हमें 15 लाख रुपए वहाँ जमा करना होगा। और जो जनप्रतिनिधि हमें आश्वासन दिए हैं और धनबाद के लोगों ने हमेशा दिल बड़ा दिखाया है, तो एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा धनबाद का आम नागरिक होने के नाते कि अपना बच्चा समझकर आप मासूम को ज़िंदगी दे सकते हैं। इस मासूम के पास ज़िंदगी बहुत कम है। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, आप अपने घर में बाल गोपाल को कृष्ण बना के उनकी पूजा करते हैं, तो इनका भी एक छोटा सा बाल गोपाल है। तो सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है धनबाद के आम नागरिक के नाते कि धनबाद के एक आम नागरिक का छोटा सा 4 माह का मासूम बच्चा है, उसकी ज़िंदगी देने के लिए आप आ गया है। धन्यवाद।